How are you all? Hope all doing well. I am Tanvi Agarwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए कई बार क्या होता है, महिलाओं को ब्रेस्ट रिलेटेड परेशानी होती है जो काफ़ी टाइम से महिलाएं लगातार फेस कर रही होती है. तो ये चीज़ें अगर आप फेस करें ना, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं होता. हो सकता है कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ हो. तो जब प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है महिलाओं की बॉडी में क्या होता है, कैसे आप बढ़े हुए प्रोलैक्टिन के लेवल को नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ. क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का भी ट्राई करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी. तो देखिए, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, इसका मेन काम होता है ये आपकी ब्रेस्ट को डेवलप करता है और साथ में मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. और मिल्क का प्रोडक्शन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो दो नॉर्मल केसेस हैं, या तो आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं. और इसके अलावा अगर आपके ब्रेस्ट में से मिल्क जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है, जो बहुत सी महिलाएं फेस करती हैं. अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो ये साइन है कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है. प्रोलैक्टिन मेनली देखिए हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मटर के दाने की तरह, वही रिलीज करती है इस हार्मोन को. अगर ज़्यादा रिलीज करने लग जाती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो बढ़ा हुआ निकलता है. जैसे महिलाओं के ब्रेस्ट में तो दिक्कतें होती ही होती हैं, साथ में और भी दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी बढ़ सकती है. प्रोलैक्टिन लेवल मेल में भी बढ़ सकता है और फीमेल में भी बढ़ सकता है. सो गाइस, सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का नॉर्मल रेंज क्या होता है फीमेल में मेल में. तो सबसे पहले अगर हम मेल की बात करें, मेल में 2 से लेके 18 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है, फीमेल में 2 से लेके 29 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है. और अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन में हैं तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल 10 से लेके 209 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होना चाहिए. अगर इनके बीच में है तो ये नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा है ये तो नॉर्मल नहीं है. तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब महिलाओं का प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा होता है तो महिलाओं में सबसे पहले बदलाव दिखता है महिलाओं के ब्रेस्ट में. जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होने लग जाती है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होने लगती है, ब्रेस्ट में से मिल्क जैसा डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है, और महिलाओं को वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम महिलाएं फेस करने लगती हैं, जैसे अबनॉर्मल पीरियड, इनफ्रीक्वेंट पीरियड, इररेगुलर पीरियड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम महिलाओं को होने लगती है, साथ में प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम महिलाएं फेस करती हैं, वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम महिलाएं फेस करती हैं, रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, साथ में आपको अपने फेस में अबनॉर्मल एक्ने दिखाई दे सकते हैं, या आपके जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है वो तेज़ी से होने लगती है. तो ये कुछ लक्षण हैं जो महिलाओं में दिखते हैं जब महिलाओं का प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा होता है. अब हम बात करते हैं जब मेल का प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा होता है तो मेल में क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं. तो सबसे पहले मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, का जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल में कमी आ सकती है, और साथ में आपको दिखेगा मेल की ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में होना शुरू हो गई है, और इसके साथ मसल्स भी छोटी होने लगती हैं लाइक फीमेल्स की तरह. तो ये मेल्स में दिखाई देते हैं जब मेल्स का प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ होता है. बट प्रोलैक्टिन लेवल को आप नेचुरल तरीके से भी रिड्यूस कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले आप समझिए कौन से फूड्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेने. अगर इन फूड्स का इंटेक आप गलती से भी कर रहे हैं तो ये आपके प्रोलैक्टिन लेवल को और ज़्यादा बढ़ा सकता है. तो आपको उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है जो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे ओट्स काफ़ी लोग अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो ओट्स आपको नहीं लेना है, बार्ले आपको नहीं लेना है, डेट्स आपको नहीं लेना है, ब्राउन राइस नहीं लेना है, फेनल सीड्स नहीं लेने हैं, फेंग्रिक नहीं लेना है, आड़ू नहीं लेने हैं, और भी बहुत से फूड्स हैं जो गूगल में सर्च करके आप पता कर सकते हैं जो मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं. उन फूड्स को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है चाहे आप मेल हों या फीमेल. इसके साथ गाइस आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो जो ग्लूकोज है वो महिलाओं की बॉडी में इनसेंसिटिव हो जाता है, जिससे प्रोलैक्टिन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ने लगती है. और ब्लड शुगर लेवल आपका तेज़ी से तब जाएगा जब आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं या अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं. तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, होल जो फूड्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, उनको अपनी डाइट में. इसके लिए सबसे पहले क्वालिटी स्लीप लेना ज़रूरी है, यानी डेली आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, डेली 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है. क्योंकि जब अच्छी तरीके से आप सोते हैं तो आपका मूड भी रेगुलेट होता है, मूड भी अच्छा रहता है, बॉडी भी रिलैक्स रहती है, और रात में सोने से मेलाटोनिन हार्मोन भी इंक्रीज होता है जो नेचुरल तरीके से प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने में मदद करता है. ये तो पहला कारण है. दूसरा कारण है अगर आप अच्छी नींद लेते हैं. देखिए होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जब प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करती है
तो जो इसका सीक्रिएशन है ये कंट्रोल होता है डोपामाइन कंपाउंड से। डोपामाइन एक फील गुड हार्मोन है, एक हैप्पी हार्मोन है। अगर आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन इंक्रीज हो रहा है तो वो नेचुरल तरीके से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो रिलीज हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में उसे स्टॉप कर देता है, जिसे नेचुरल तरीके से प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये काम आपको करना है। दूसरा, आपको अपनी डाइट में विटामिन B6 रिच फूड्स लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि विटामिन B6 डोपामाइन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और डोपामाइन का अगर फंक्शन इम्प्रूव हो रहा है तो प्रोलैक्टिन का लेवल भी नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में कम होने लग जाता है। और इसके साथ आप चेस्ट बेरी, जिसे हम वाइटेक्स भी कहते हैं, इसकी चाय ऑनलाइन मिलती है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मेनली आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है और डोपामाइन के प्रोडक्शन को महिलाओं की बॉडी में बूस्ट करती है, जिससे प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने में आपको मदद मिलती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब महिलाओं की बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो रहा है तो प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन कम ही नहीं हो पाता। इसलिए स्ट्रेस को रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका है, आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे कीजिए, योगा कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, वो भी मेनली धूप में। धूप में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो वॉक ही आप 15-20 मिनट्स की डेली करेंगे, तो आपको अपने ब्रेन के फंक्शन में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, आपको बहुत ज़्यादा आराम लगता है, आपका मूड भी रेगुलेट होता है, जिससे डोपामाइन का फंक्शन भी इंक्रीज होता है। अगर मेनली आपकी बॉडी में डोपामाइन इंक्रीज हो रहा है ना, तो नेचुरल तरीके से बहुत इजीली आप प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल को कम कर सकते हैं। ये चीज़ अपने माइंड में रख लीजिए, और अगर जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है अगर ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली गाइज आपका बहुत जल्द प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल कम होगा, और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो आपको बहुत जल्दी और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी। एंड यही आज का वीडियो हो करती हूँ, इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।